नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन लाल परेड मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 406 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम में मौजूद हो चुके हैं। मंत्री प्रेम सिंह कर रहे सम्मेलन की अध्यक्षता। गौ संवर्धन संरक्षण करने वालों का सम्मान भी आज जो है इस कार्यक्रम में किया जाएगा। बड़ा अपडेट राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां गौ रक्षा गौ संवर्धन और संरक्षण को लेकर जो है मुख्यमंत्री का आयोजन चल रहा है लाल परेड मैदान में। 406 एम्बुलेंस का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन लाल परेड मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 406 पशु एम्बुलेंसों का जो है लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। बड़ा अपडेट राजधानी भोपाल से, जहां गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का कार्यक्रम जारी है। मंत्री प्रेम सिंह जो है सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। चार सौ छह पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लगातार कल भी हमने चर्चा की थी और आज भी, क्या कुछ तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है? ये जो बिल्कुल अस्मिता, बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। गौ रक्षा सम्मेलन इसका नाम है, गायों के संरक्षण और संवर्धन पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। देख सकते हैं मंच पूरी तरीके से सज के तैयार हो चुका है। इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 11 बजे आने का कार्यक्रम था, थोड़ा सा कार्यक्रम डिले ज़रूर हुआ, तो मंच पूरी तरीके से सज के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही देखिए कि दूसरी तरफ आप देखेंगे एम्बुलेंसेज भी खड़ी हुई हैं। जो 406 एम्बुलेंसों को आज हरी झंडी दिखाई जाने वाली है, जहाँ चलित पशु इकाई इनको नाम दिया गया है, इसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। इन एम्बुलेंसों में ओटी भी है, इसके साथ ही और छोटे स्वास्थ्यकर्मी भी इस मेडिकल में मौजूद रहेगा, तो बेहद महत्वपूर्ण है। 406 विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा, तो इस कार्यक्रम की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवराज हैं और उसमें मौजूद डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान गौ माता के संरक्षण कार्यक्रम में, जहां वो 406 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। अस्मिता,
जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मंत्री प्रेम सिंह जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है बीजेपी के कोई बड़े नेता हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे? दिखा देता हूं, इस वक्त मंच पर वो लोग मौजूद हैं अस्मिता जिन्होंने गायों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा था कि ऐसे चेंज बनाए जाएंगे कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे किया जा रहा है। हालांकि चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें देखिए, हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री का जो है गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है लाल परेड मैदान में, तो वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हमने। तमाम तैयारियां कर ली गई है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का आगमन यहां पर होगा। साथ ही आज उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने गायों के लिए विशेष काम किया है, गौ रक्षा के लिए विशेष काम किया है।